ये देख सकते हैं विंडो ओपन करने के बाद इस तरह से लोग कैसे एंटर कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे यार, है खिड़की बंद कर दो। आज मिलाते भाई भाई से लेट हो गया। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन फ्लाइंग बर्ड में। जैसा कि दोस्तों अभी मैं हूँ लुधियाना के, जो लुधियाना स्टेशन है मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। दोस्तों आज से आप सबको एक नई ट्रिप देखने को मिलेगी, जिसमें कि मैं लुधियाना टू वाराणसी का सफ़र करने वाला हूँ। और यहाँ से दोस्तों जो भी सफ़र अपना होता है वो बाय ट्रेन होगा। और अभी मैं हूँ लुधियाना जंक्शन पर, आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्टेशन। और दोस्तों मैंने टिकट ले ली है और यहाँ से टिकट लेने के बाद निकलते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितना ऊंचा फ्लैग, आप देख सकते हैं कितना ऊंचा फ्लैग लगा है। तो ठीक है दोस्तों, टिकट लेने के बाद चलते हैं अंदर रेलवे स्टेशन की जो प्लेटफार्म है वहाँ चलते हैं और शुरू करते हैं दोस्तों एक नई ट्रिप। और चलिए आइए चलते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों ये है लुधियाना का रेलवे स्टेशन, आप देख रहे हैं काफ़ी शानदार बना है दोस्तों, और कितनी सुंदर लाइट लगी हुई है और ऊपर फ्लैग कितना शानदार है। और ये पार्किंग है दोस्तों यहाँ पर। चलिए दोस्तों चलते हैं प्लेटफार्म पर, वहाँ आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं प्लेटफार्म नंबर 2 पर हूँ और दोस्तों ट्रेन जो है कि बेगमपुरा ट्रेन है जो कि वाराणसी तक जाएगी। और दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जो ये बेगमपुरा एक्सप्रेस है ये जम्मू तक, यानी जम्मू से लेके वाराणसी तक का सफ़र करती है। और ये अभी शाम को 6:30 बजे लगभग यहाँ पे मिलेगी। और इसका जो यहाँ से जाने का टाइम है वो 7:45 का है और यहाँ से 6:30-7 बजे जो भी निकलेगी। और दोस्तों ये जो हमारा जो जहाँ मुझे पहुँचना है जौनपुर जंक्शन, जौनपुर सिटी जो है वहाँ दोस्तों सुबह 10:30 उतार देगी। और वाराणसी इसका पहुँचने का टाइम 1 बजे तक का है। तो ठीक है दोस्तों ट्रेन का वेट करते हैं, बाकी चलते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं जो स्टेशन कितना प्यारा स्टेशन है का। इस स्टेशन पर काफ़ी साफ़ सफाई है और काफ़ी बढ़िया बन गया है दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है आप देख सकते हैं। जो ये वाला सफ़र होने वाला है ये जनरल कोच का होने वाला है, क्योंकि तत्काल में जाना पड़ा और इसकी वजह से जो जनरल सीट होती है, ठीक है, जो जनरल बोगी होती है उसमें सफ़र करेंगे। और इस सफ़र में क्या एक्सपीरियंस होता है वो आप सबको दिखाएंगे। तो ट्रेन आने वाली है तो मिलते हैं दोस्तों ट्रेन पे बैठ कर। वो भीड़ देख रहे हैं दोस्तों, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि समझ नहीं आ रहा है कि जनरल जो बोगी में किस तरह चढ़ेंगे। जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से ये लग रहा है कि जनरल बोगी में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं है, ये ऐसा सफ़र होता है वो आप सबके साथ शेयर जरूर करूँगा। जनरल बोगी में कितनी भीड़ होती है, कैसा सफ़र होता है। दोस्तों जो आप ये ट्रेन देख रहे हैं ये दोस्तों बिलासपुर यानी कि छत्तीसगढ़ जाएगी। और अभी हम लोगों के साथ ये एक मजाक हो गया, ये कि जैसे जिस टाइम पर बेगमपुरा का आने का टाइम था वो टाइम पे एक दूसरी ट्रेन आ गई और सब लोग इधर से उधर भागने लगे अपनी बोगी में। तो इसके बाद दोस्तों आएगी बेगमपुरा। दोस्तों ये ट्रेन आई है वंदे भारत है, आप देख सकते हैं जैसे फॉरेन की ट्रेनें होती हैं उस तरह से है वंदे भारत। तो
दोस्तों अपने साथ मजाक पे मजाक हो रहा है, आप देख रहे हैं। इससे पहले जो है कि एक दूसरी ट्रेन आई थी और जो बेगमपुरा का टाइम 6:20 का है, तो दोस्तों वो टाइम पे ना आके अभी दो ट्रेनें, ये गंगा सतलुज है, किसान एक्सप्रेस, ये जाएगी, इसके बाद आएगी। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं भीड़ कितना ज़बरदस्त है। इतनी भीड़ देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, बाकी कोई बात नहीं है। बाकी इसके बाद जो है कि जो बेगमपुरा ट्रेन है वो आएगी। ठीक है दोस्तों, ट्रेन का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं और इसके बाद जो है कि ट्रेन में बैठकर फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों। आगे से तो दोस्तों आप देख, अभी दोस्तों करीब 8:30 होने वाला है और हमारे साथ इतना बड़ा मजाक, कितना भीषण मजाक हो गया है कि हमारी ट्रेन लाडोवाल ही खड़ी हुई है, अभी आने का नाम नहीं ले रही दोस्तों। तो क्या है कि मजबूरी में उसी ट्रेन का वेट करना पड़ रहा है। और दोस्तों आज ये बड़ा जबरदस्त मेरे साथ हुआ कि हमारे गांव के हमारे बड़े भाई अनिल भैया ये मिल गए, अचानक मिल गए। कोई हम लोग का कोई प्लान नहीं था जो है कि अपने साथ में चलना है, तो क्या हुआ कि अचानक भैया इधर गुजर रहे थे और अचानक मिल गए, क्योंकि मेरा और भैया का घर बिल्कुल पास पास में है और गांव में भी और यहाँ लुधियाना में हम लोग साथ में रहते हैं। और ये मुझसे ज़्यादा नहीं, 1 महीने पता नहीं, आज 6 महीने बड़े हैं मेरे से। तो अनिल भैया से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो ठीक है दोस्तों, मैं ट्रेन का वेट करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबको। दोस्तों बहुत बहुत मुश्किल से इस जनरल बोगी में जो मेरा एक्सपीरियंस है आप देख रहे हैं, ठीक है, पीछे बुरा हाल है दोस्तों, और बहुत ही मुश्किल से अंदर आना हुआ, बाकी कोई बात नहीं है। आप उधर भी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दोस्तों पैर रखने की जगह नहीं है और बड़ी मुश्किल से आज चढ़ना हुआ, बाकी कोई बात नहीं है, जब आ गए हैं तो जाएंगे। बाकी ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे आपको। तो दोस्तों फाइनली 2 घंटे के सफ़र के बाद जो है कि अम्बाला पहुँच चुके हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं भीड़ कितनी ज़बरदस्त है। और अम्बाला में दोस्तों यहाँ पर भी भीड़ जबरदस्त होने वाली है और लोग किस तरह से जो है कि बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं जो गैलरी होती है, गैलरी पूरी पूरी भरी हुई है, देख सकते हैं पीछे, और इधर भी देख सकते हैं ये पूरा गैलरी पूरा जाम हुई पड़ी है। इस हिसाब से दोस्तों जनरल बोगी जो होती है, जनरल बोगी में लोग ये देख सकते हैं विंडो ओपन करने के बाद इस तरह से लोग कैसे इंटर कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे यार, है खिड़की बंद कर दो ना, बंद करो, भरेंगे सब इसी में। अरे बैठने कहाँ देंगे, आप देख सकते हैं किस तरह से जो कुली होते हैं किस तरह से वो करते हैं, ठीक है, बंद कर दो यार, गेट पूरा पूरा जाम है, जिस हिसाब से लोग खिड़की ओपन करके, ये सभी अपने इंडिया में हो सकता है दोस्तों, ये पॉसिबल सिर्फ अपने इंडिया में हो सकता है। बंद करो भाई, बंद करो, बंद कर दे रहा लो, बंद करो बैठ के रहो ना, मारूंगा यार, ये क्या वीडियो बना रहा है यार, पहले बात में बंद कर दे यार, ठीक है ना, वीडियो बना रहा है, ठीक है, चल 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 बंद कर। ये पॉसिबल सिर्फ ऐसे बंद कर देना यार, सिस्टर को ये होता है जनरल बोगी में दोस्तों, भूल के भी आप जनरल बोगी में कभी मत सफर करना, और इतना बुरा हाल होता है दोस्तों, खड़ा होने की यहाँ पैर रखने की जगह नहीं, खड़ा होने की बात कर रहा है खोल दिया, कौन खोल दिया दोस्तों, ये वीडियो आप जरूर पूरी देखिएगा। तो हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों अभी अपना सफ़र लुधियाना से शुरू होकर अभी लखनऊ पहुंचने वाले हैं, और जो सफ़र दोस्तों लखनऊ जो सुबह 6 बजे जो सफ़र ख़त्म होता है लखनऊ, वो दोस्तों 11 बजे सफ़र ख़त्म होगा, और जो अपना सफ़र
जौनपुर का है और वो जो है कि 2 बजे ख़त्म होगा। तो दोस्तों भीड़ आप देख रहे हैं, भीड़ जैसे रात को थी वैसे है और देख सकते हैं भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ठीक है दोस्तों, लखनऊ पहुंचकर आप उससे मिलते हैं, बाकी वहाँ कुछ नाश्ता करेंगे, फिर जैसा भी होगा जौनपुर पहुंचकर आप सबसे मिलते हैं और दिखाते हैं लखनऊ शहर और वहाँ का जो स्टेशन है वो दिखाते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अभी। दोस्तों स्वागत है आपका नवाबों की नगरी लखनऊ में। और लखनऊ दोस्तों काफ़ी बड़ा है, जो है कि ये जो चार बाग का स्टेशन है काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों ट्रेन की गैदरिंग कम नहीं हो रही है, इसकी वजह से जो है कि ट्रेन से उतरना मुनासिब नहीं समझा। आप सामने देख रहे हैं स्टेशन और ये 3 नंबर प्लेटफार्म पे आई हुई है। हाँ अभी मैं बैठ जाऊँगा उस पर। तो ये है दोस्तों लखनऊ का स्टेशन। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों लखनऊ से ट्रेन चल चुकी है और ये दोस्तों जौनपुर पहुंचने का इसका जो टाइम है वो है 4 बजे तक लगभग। तो अभी लखनऊ से जौनपुर 4 घंटे का सफ़र है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं और जौनपुर सिटी जो हमारा स्टेशन है वहाँ पहुंचकर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी लखनऊ से निकले हुए करीब 1/2 घंटा हो गया और निहालगढ़ पहुँचे हैं। और निहालगढ़ का दोस्तों ये जो समोसा आप देख रहे हैं, निहालगढ़ का फेमस है। जब आप सुल्तानपुर वाले तरफ जाएंगे या वाराणसी जाएंगे सुल्तानपुर होते हुए, तो निहालगढ़ आपको ये समोसे मिल जाएंगे। और काफ़ी निहालगढ़ का जो समोसा है काफ़ी फेमस है, जिसको नहीं भी खाना होता है वो भी खाता है, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है बहुत स्वादिष्ट है यहाँ का। तो ठीक है दोस्तों, निहालगढ़ से बस ट्रेन निकलने वाली है 2 मिनट बाद, मिलते हैं दोस्तों जौनपुर स्टेशन पहुँचकर आप सबसे। तो दोस्तों फाइनली मैं जौनपुर सिटी जो मेरा जंक्शन था वहाँ पहुँच चुका हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन। और दोस्तों यहाँ से मैंने ऑटो करना है, आगे ऑटो मिलेगा, उसके बाद वहाँ से फिर जो मेरा घर है वहाँ के निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं ऑटो पकड़ते हैं। तो दोस्तों सिपाह के लिए रिक्शा मिल चुका है, यहाँ से सिपाह के लिए निकलना है, वहाँ से बस पकड़नी है अपने घर के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, रिक्शा टाइम पर मिल गया। दोस्तों सामने आप जो देख रहे हैं ये है जौनपुर का पॉलिटेक्निक चौराहा। दोस्तों इधर से आप इलाहाबाद जा सकते हैं, उधर से आप बनारस जा सकते हैं और इधर मछली शहर जा सकते हैं। ये जौनपुर शहर का मेन चौराहा है, पॉलिटेक्निक चौराहा। चलिए दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये जो रोड है ये सीधा जाएगा बनारस की तरफ, अगर आपको बनारस जाना है तो आप सीधा इधर से निकलना आपको होगा। दोस्तों सामने चौक आएगा, चौक सामने लेफ्ट मुड़ना है जो कि आजमगढ़ वाला रोड है। और आगे दोस्तों एक चौक आएगा जो जेसिस चौराहा है। और चलिए आपको जेसिस चौराहे पे मिलते हैं आपसे। यहाँ से हमें लेफ्ट होना है और ये सीधा बनारस के लिए निकल जाएगा। और इधर दोस्तों गोरखपुर आजमगढ़ और शाहगंज के लिए निकलेगा। दोस्तों सामने जो आप ग्राउंड देख रहे हैं वो टीडी कॉलेज का कैंपस है, आप देख सकते हैं जो जौनपुर का फेमस कॉलेज है टीडी कॉलेज। तो ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों सामने आप जेसी चौराहा देख रहे हैं, इधर से आप राइट अगर आप जाते हैं तो राइट दोस्तों इधर बस अड्डा जो है कि जौनपुर शहर का जो बस अड्डा है वो इधर आपको मिल जाएगा।
और इधर टीडी कॉलेज, आप अगर आपको जाना है तो आप टीडी कॉलेज जा सकते हैं। और दोस्तों लेफ्ट में अगर आप जाना चाहते हैं जो जौनपुर का फेमस जो है शाही किला और जो शाही पुल और जो किला है वो आप देख सकते हैं जो, और ये देख सकते हैं आप जो जेसी चौराहा है कितना ज़बरदस्त जेसी चौराहा बनाया गया है और कितना प्यारा यहाँ पे, ये बहुत जल्दी ही बना दोस्तों, काफ़ी देर पहले नहीं था और कितना शानदार बना है। दोस्तों ये जौनपुर शहर की जान है जेसी चौराहा। बाकी दोस्तों सामने अगर आप जाते हैं तो आगे आप गोरखपुर, आगे आजमगढ़ आप जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सामने एक रेस्टोरेंट देख रहे हैं, जौनपुरिया टेस्ट। दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में शाही पुल और जो शाही किला का जो जिक्र किया, दोस्तों आने वाले समय में आप मेरी वो वीडियो सब देखेंगे जो जौनपुर की फेमस जो धरोहर है, जो जौनपुर का इतिहास है वो आप देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं, आपको सिपाह दिखाते हैं, सिपाह जो चौराहा है वो दिखाते हैं। वैसे देखा जाए तो यूपी पुलिस जो है कि योगी जी की सरकार में कितना ज़बरदस्त काम कर रही है। सामने आप जो ट्रैफिक पुलिस को जो देख रहे हैं ना, मैं काफ़ी दूर से देखता आ रहा हूँ, ये पैदल जो ट्रैफिक लगा हुआ है, पैदल मतलब ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि योगी सरकार में ज़बरदस्त काम हो रहा है, प्रशासन अपना ज़बरदस्त तरीके से अपना जो कार्य है वो कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ही ट्रैफिक ज़्यादा लग रहा था, यहाँ पर देखिए इधर से पैदल चल के आए ट्रैफिक मुलाजिम और ये ट्रैफिक को क्लियर किए। तो सल्यूट है इन ऑफिसरों का और योगी जी का जो कि कानून व्यवस्था को ज़बरदस्त बनाए हुए हैं। बाकी दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ जो गोमती नदी का पुल है, आप देख सकते हैं ये पुल, और ये देखिए दोस्तों, और आने वाले समय में दोस्तों जो वीडियो आप देखेंगे इस नदी का भी व्यू आपको देखने को मिलेगा और जो जौनपुर शहर का जो शाही पुल है वो भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं सिपाह और वहाँ जो चौराहा है, सिपाह चौराहा वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों सामने आप जो देख रहे हैं मिट्टी सा जो दिख रहा है बीच में नदी के बीचों बीच, दोस्तों वहाँ भी एक पुल बन रहा है। बाकी सामने देख रहे हैं नदी का व्यू कितना शानदार, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली बस मिल गई है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बस तैयार है मार्टिन का, सीधा जहाँ मेरा घर है वहाँ जाने के लिए। ठीक है दोस्तों बस में बैठते हैं और चलते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ट्रेन का भीड़ आपने देखा ही है, साथ में जो गांव जाने की जो आखिरी बस है उसकी भीड़ आप देख सकते हैं जबरदस्त है। जैसे भी चलना है गांव पहुंचना है किसी भी तरह, और धक्का मुक्की करते हुए आप भीड़ पीछे देख सकते हैं, पूरी बस चकाचक भरी हुई है। ठीक है दोस्तों पहुंचते हैं घर पर और आपसे मिलते हैं, बाकी चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं, आप देख रहे होंगे गांव की बाइब आ रही है, गांव प्यारा सा गांव, प्योर देसी गांव, जो भारत देश का जो गांव बसता है वैसा मेरा प्यारा गांव है, आप देख सकते हैं। हाय 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 माई आज मिलाते भाई भाई से लेट हो गया है। देख सकते हैं धान होना भी ऐसे पड़ा हुआ है। ये चाची हैं, अच्छा अच्छा। तो फाइनली दोस्तों मैं घर पहुंच गया
और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सबसे।